माय नेम इज़ निज़वान चीमा फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मकान सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आपका सफर प्लॉट से मकान तक इस वक्त मैं और सिर्फ से प्राइम सेक्टर डी में खड़ा हूँ और सेक्टर डी में जो प्लॉट के साइजेस हैं जो लॉन्च किया गया था उस वाले से बताऊंगा इसमें इस वक्त डेवलपमेंट वक का स्टेटस क्या है वो बताऊँगा इसकी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा तो तीन जो क्रक्स हैं इस वीडियो के ऑन ग्राउंड रिपोर्ट के लिहाज से उसके बाद मैं बाकी इसकी एरियल फुटेज की वीडियो में सेपरेटली अटैच कर दूँगा नंबर वन के लोकेशन क्या है नंबर टू के इसमें प्लॉट साइजेस क्या हैं एंड नंबर थ्री के इसमें आज की डेट में डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की इसकी जो ब्लॉक डी की जो लोकेशन है वो एंट्रेंस रोड टू के साथ लेफ्ट साइड पे है जैसे एंट्रेंस रोड टू से आप एंटर होते हैं और साथ लेफ्ट साइड में मूव करते हैं पहले आठ मरला कमर्शियल्स हैं एक रोड है जो सेंट्रल लें या कि रोड मेन रोड है जो कनेक्ट करता है एंट्रेंस रोड वन को एंट्रेंस रोड टू के साथ तो इन दोनों के साथ ही मेन एंट्रेंस रोड के साथ राइट साइड पर आ जाते हैं आपके पहले बी ब्लॉक ए ब्लॉक क्रॉस करते हैं आगे सी ब्लॉक और सी ब्लॉक के साथ आ जाता है डी ब्लॉक अब डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ जो है इसकी लोकेशन के प्रोज भी हैं कौन भी हैं प्रो तो ये है इस लोकेशन का कि इसके साथ बिल्कुल एक पब्लिक रोड वाक्य है कौन ये है कि सोसाइटी की तरफ से कोई इसकी बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन नहीं है एलिवेशन अच्छी है कंपैरिजन टू ब्लॉक बी ब्लॉक ए एलिवेशन इसकी अच्छी है कंपैरिजन टू दैट लोकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे ब्लॉक बी और ब्लॉक ए की अच्छी है तो सभी को सब कुछ नहीं मिलता कुछ कोई अच्छी लोकेशन मिल गई है कुछ को अच्छी एलिवेशन मिल गई है तो ये चीज़ें प्रॉपर्टी में कॉमन चलती रहती हैं सेकेंड इसके के ब्लॉक्स डी uh, में जो साइज हैं प्लॉट्स के वो किस साइज के प्लॉट्स हैं ब्लॉक डी में अब साइज के प्लॉट हैं सात मरह के और कुछ कॉर्नर प्लॉट विद एक्स्ट्रा लैंड दस मरला के होंगे बाकी तमाम के तमाम प्लाट्स जो हैं वो सात मलाह के प्लॉट हैं ये इसकी एलिवेशन है इसमें कटिंग्स हैं थर्टी बाई फिफ्टी थ्री थर्टी विथ फ्रंट फिफ्टी थ्री डेप्थ अगर इसमें बात करें वन सेवेंटी फाइव स्क्वेयर यार्ड के प्लॉट हैं ये सात मरला के कॉमन साइज हैं अब आते हैं जी इसमें जी करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि आज की डेट में ब्लॉक डी में करंट स्टेटस ऑफ़ डेवलपमेंट क्या है ब्लॉक डी में करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ये कि आज की डेट में ब्लॉक डी पार्शली मैं इसके बाद सेपरेट वीडियो ड्रोन की एरियल फुटेज के साथ अटैच कर दूंगा आप वो देख लीजिएगा कि ब्लॉक डी में डेवलपमेंट इस वक्त जो है वो किस तर्ज पे या कितनी डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ब्लॉक डी में डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है मैंने हर एक सेक्टर में जाकर और इस प्राइम की जिस तरह मैंने एक ढाई महीने पहले एक पूरी सीरीज रिकॉर्ड की थी इस तरह ये पूरी सीरीज है जो बीस बाईस वीडियोज़ में होगी जिसमें हर सेक्टर में जाकर फिजिकली मैं एक्सप्लेन कर दूँगा जिसमें काफ़ी मेमरान को अपडेट मिल जाएगी ब्लॉक की अपडेट क्या है एंड सेकेंडली उसी दिन मैं शाम को उसकी डिटेल जो होगी एरियल फुटेज वो भी अपडेट कर दूंगा ताकि तमाम मेहमान को अपनी इन्वेस्टमेंट पर फॉलोअप लेने में आसानी रहे जो ओवरसीज पाकिस्तान नहीं आ सकते डेफिनेटली उनके लिए बड़ी एक फिजिबल स्टेप है कि जिन्होंने किसी के थ्रू भी किसी सेल्स पार्टनर के थ्रू बुकिंग की हो लेकिन उनको एक अच्छा फॉलोअप मिलता रहे अपनी इन्वेस्टमेंट पर क्योंकि ओवरसीज मेबरान की कॉमन शिकायतें सुनने को मिलती रहती हैं कि हमने जैसे ब्लॉट बुक कराया वो हमें कॉल उठाता ब्लॉक किया हुआ ये वो बुलाबला तो हम चाहेंगे कि मैं तमाम मेबान को एक ओवरऑल करके तमाम मेबरान को इक्वली इस ब्लॉक के हवाले से ओवरसीज प्राइम की अपडेट्स जो हैं बर वक्त देता रहूँ अपने चैनल के थ्रू सो दिस वॉज इट फॉर टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ रूल लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए हाफिज़